हिमाचल प्रदेश की राजधानी पहाड़ों की रानी शिमला में दोस्तों आपका स्वागत है। ये शिमला के रिज और माल रोड का एक सुंदर एरियल व्यू है। आज है सितंबर 24, 2023 और यहीं से मैं अपने अन्य तीन साथियों के साथ कर रहा हूँ शिमला से मनाली बाय स्पीति वैली होते हुए साइकिल राइड। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संदीप। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपकी सैर करवाता हूँ कुछ बेहतरीन अनएक्सप्लोर्ड और वर्जिन एरियाज की। इस बार मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लैंड ऑफ लामाज, लैंड ऑफ फॉर्मिडेबल लैंडस्केप, जहाँ की लेक दिन में कई बार बदलती है अपना रंग। ऐसी जगह जहाँ की संस्कृति अलग है और जहाँ पर होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में। हम चलेंगे 9 दिनों में तकरीबन 700 किलोमीटर। शिमला से निकलकर मशोबरा होते हुए भिखेलटी रोड पर हम निकल लेते हैं। कम ट्रैफिक होने की वजह से हम इस रूट को चूज करते हैं और जो कुफरी वाला अप क्लाइंब है उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक होती है। ये जो सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, ये है कुफरी और मशोबरा के बीच में पाइन के फॉरेस्ट। आज हम नारकंडा टॉप को क्रॉस करके पहुंचेंगे शाम को रामपुर। तकरीबन 120 किलोमीटर राइड करेंगे। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी लेक जिसमें भरे हुए गोल्ड कॉइन्स की रक्षा एक नाग देवता करते हैं। इस साइकिल एक्सपीडिशन में हम करेंगे जगह जगह सफाई अभियान। मुझे लगता है कि पर्यावरण के दृष्टि से जो आप सभी लोग हिमालय की इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए यात्रा कर रहे हो, वो केवल साइकिल की यात्रा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक आध्यात्मिक स्वरूप भी हिमालय का है, पत्थर का पहाड़ नहीं है। इस नाते कि आध्यात्मिक संदेश भी देने का काम करने जा रहे हो। नारकंडा के नीचे इस खाडू ढाबे में हम रुकते हैं हल्का नाश्ता करने के लिए और थोड़े ही टाइम में और 4-5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं नारकंडा। इस बार शिमला से नारकंडा रूट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रही क्योंकि आजकल एप्पल सीजन चल रहा है, और अब हमने तय किया है कि नारकंडा से हम थानादार होते हुए जाएंगे रामपुर। ये है सुंदर थानाधर कोड़कड़ का एरिया और हिमाचल प्रदेश में एप्पल ऑर्चर्ड लगाने का सिलसिला यहीं से सत्यानंद स्टोक्स ने 1960 में शुरू किया था। दिस इज ए ब्रेथ टेकिंग एरियल व्यू ऑफ तानी जुबर लेक एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम नारकंडा। इट इज बिलीव्ड दैट दिस लेक कंटेन्स लॉट ऑफ गोल्ड विच इज गार्डेड बाई ए नाग देवता। दोस्तों, एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि यदि इस लेक में कोई कॉइन आप डालते हैं तो वो गोल्ड में टर्न हो जाता है। मैंने भी ट्राई की, एक कॉइन इसमें डाला और सच में ही जो कॉइन था वो पेल येलोइश कलर में जो है वो चेंज हो गया जब उसको डाला गया। शायद किसी ऑप्टिकल एल्यूजन की वजह से ये होता होगा। और ये देखें आप कितना सुंदर, ये पाइन ग्रोव के बीच में ये तानी जुबर लेक है। ये मात्र एक लेक है जो जिला शिमला में स्थित है, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट शिमला में कोई और नेचुरल लेक नहीं है। जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे, हम आपको हिमालयाज के कुछ ब्यूटीफुल लोकेशंस और कई अनहर्ड फैक्ट्स की जानकारी देते रहेंगे। बस आप हमारे साथ वर्चुअली बने रहें। आज 120 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच रहे हैं रामपुर, और कल हमारी जर्नी जो है वो बहुत लंबी होने वाली है। हम 130 किलोमीटर के आसपास राइड करेंगे रामपुर से स्पिलो तक। तानी जुबर से हम कंटिन्यूसली डाउन हिल करते हुए पहुंच जाते हैं रामपुर में, जहां हमारा स्टे होता है SJVNL के गेस्ट हाउस में। हाय सुरेश।
तो आज हम शिमला से 120-125 किलोमीटर राइड करके रामपुर पहुंचे हैं, तो आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। वो आप मतलब मैं तो सोच रहा था, मैंने कहा मेन हाईवे पे NH पे आएंगे हम यहाँ पे रामपुर तक, पर आपने तो थानादार होके पता नहीं नए रोड से लेके आए हमें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने एंजॉय किया ना? बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। ओके डियर, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। आज हम राइड कर रहे हैं रामपुर जिला शिमला से डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के स्पिलो तक। भारी बरसात में इस बार हिंदुस्तान तिब्बत रोड को भी काफ़ी नुकसान हुआ, जगह जगह लैंडस्लाइड्स। दोस्तों मैं खड़ा हूँ ज्यूरी के हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग म्यूजियम पे। ये म्यूजियम जिसकी हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब ये म्यूजियम बना होगा तो बड़े अरमानों से बनाया गया होगा। और यहाँ जो है वो ट्रिब्यूट पे किया गया है हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के में जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उनकी स्मृति में। याद जिस टाइम कोई मशीनरी नहीं थी, सारा मैनुअल काम होता था, टाइम ये जो है वो मार्ग बना था जो कि तिब्बत को कनेक्ट करता है। और आज ये बहुत अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इसको दिखाना चाहेंगे। तो ज्यूरी से ही एक रास्ता जो है वो भीमा काली मंदिर सराहन के लिए जाता है। लंच ब्रेक के लिए हम रुकते हैं कांगड़ी ढाबा बरहाल। भाजनाथ से इसके मालिक हैं मिस्टर गोपाल। लंच ब्रेक कैसी रही? बहुत बढ़िया भैया, खाने का मज़ा आ गया। कांगड़ी धाम मिली खाने को किन्नौर में, क्या बात है। यहाँ हम एंटर कर रहे हैं देवभूमि किन्नौर का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। अभी हम चल रहे हैं हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग में, और ये लेफ्ट बैंक है सतलुज का। स्कॉर्चिंग हीट, धूप बहुत तेज है। एफर्ट भी हाईएस्ट एफर्ट अभी जो है वो हमारे साइड में लग रहा है। अब क्लाइंब तो है ही है, लेकिन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट द डायरेक्शन। रॉकेट टनल, इस पॉइंट पे मैसिव काम चला हुआ है प्रोटेक्शन का, और कैसे इसको स्लाइड को रोका जाए। अनफॉर्चुनेटली HRTC के 23 पैसेंजर्स की यहीं पर डेथ हुई थी जब शाहरुख रॉक सुपर से आ गया था। ये नुगलसेरी का लैंडस्लाइड वाला पॉइंट, पूरा किन्नौर डिस्कनेक्ट हो गया था वर्ल्ड से यहाँ लैंडस्लाइड होने की वजह से, मैसिव लैंडस्लाइड। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। किन्नौर में नुगलसेरी के बाद ये है तरंडा माँ का मंदिर, जिसे BRO जो है वो मेंटेन करता है। जो भी किन्नौर जाते हैं देवी माँ का यहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं। जय माता। हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर ये है एपिक तरंडा ढांक। वर्टिकल हार्ड माउंटेन को सी की शेप में काटकर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जोड़ा गया है। ये एक मैनमेड बंडर है और किसी भी टूरिस्ट की साइट से ये लोकेशन इग्नोर नहीं हो सकती।
दोस्तों, इस साइकिलिंग एक्सपेडिशन में हमें होने वाले हैं ऐसे कई ब्रेथ टेकिंग और अमेजिंग एक्सपीरियंस जिनका आनंद आप भी ले रहे हैं। दोस्तों, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है कि स्पीति या किन्नौर एक वंडरलैंड है, मगर आपने यदि इनको अपने कदमों से नहीं नापा तो ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। आप हिमाचल प्रदेश की इन खूबसूरत लोकेशंस को ज़रूर एक्सप्लोर करें अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। वैसे भी कहते हैं ना कि लाइफ एक एक्सपीरियंसेस का एकमुलेशन ही तो है। भावानगर से थोड़ा सा पीछे यह है एक इस नेशनल हाईवे पे बना हुआ ब्रिज, क्या सुंदर दृश्य है, इसे हमने ड्रोन से शूट किया। आज की इस राइड में रिकांगपियो से आगे मैं आपको दिखाऊंगा खारो ब्रिज। अनफॉर्चुनेटली वहां पर 2005 में 33 सोल्जर्स की बेली ब्रिज गिरने की वजह से डेथ हो गई थी। किन्नौर में मिलता है न्योजा, और कहीं नहीं मिलता। मैडम, न्योजा को आप क्या बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में? हमारा? हाँ, शांति बोलते हैं हम। शांति, थैंक यू मैडम। कौन सी जगह ये? ये है चोलिंग। थैंक यू। शाम के 6 बज रहे हैं, हम पहुंच जाते हैं कड़छम। कड़छम से ही आप ये देख रहे हैं राइट साइड को सांगला चितकुल के लिए रोड जाता है, और ये सीधा रोड जो है वो रिकांगपियो के लिए जाता है जिस तरफ हम जाएंगे आज। दिस इज द कड़छम डैम बाई जिंदल्स। यहाँ से इन्होंने पानी उठा के जो बांगटू में गिराया है, वहीं पर पावर हाउस है। वेल डन राइडर्स, वेल डन। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। ये कड़छम डैम का रिजर्वायर है, और वो सामने रोड जो देख रहे हैं वो जाता है सांगला। सतलुज रिवर के ऊपर बना ये वैली ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है सांगला घाटी को, और वहीं से हम सांगला जाते हैं और छितकुल तक जाते हैं। और एक दुमती विलेज है जो इंडो चाइना बॉर्डर के पास है, ये जो रोड है यहाँ से जाता है। भैया क्या ला रहे हो? ये न्यूज़ा ला रहे जी। कहाँ से? ये ला रहे जंगल से, रोडांग जंगल से। ये कब तक पकेगा ये? ये तो पक गया, अब पका है, अब थोड़ा 2-4 दिन धूप में रखेंगे, उसके बाद फट जाएगा, उसके बाद निकाल के खाने का बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो राइड हम कर रहे हैं शिमला टू मनाली बाया काजा, इसके रियल हीरो हैं अरजिंदर मनन जी जो 60+1 हैं, 61 ईयर्स ओल्ड, और उनके साथ जसवीर जी जो 60-1 हैं, 59 ईयर्स ओल्ड। कुडोज टू देम। क्या चल रहा है? गणपति विसर्जन। किन्नौर में रिकांगपियो से पीछे आर्मी के ये जवान गणपति विसर्जन का आनंद लेते हुए। दोस्तों, इस जगह का नाम है पुवारी, और यहाँ से एक रास्ता जाता है रिकांगपियो की तरफ, जिस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हम जाएंगे नीचे नाको वाले रोड पे, और हमारा जो स्टे है वो यहाँ से थोड़ा सा और आगे, अंधेरा हो चुका है, और देखते हैं थोड़ी सी मंजिल और दूर है। आज है 26 सितंबर 2023, और हम अपनी राइड शुरू कर रहे हैं पू से थोड़ा सा पीछे स्पिलो गांव से। आज हम जाएंगे नाको। कल की जो राइड थी हमारी वो हमने खारो ब्रिज तक कंप्लीट की, तकरीबन 125 किलोमीटर रामपुर से चल के आए। खारो ब्रिज अनफॉर्चुनेटली वही ब्रिज है जहां पर 2005 में सितंबर में 33 जो बीआरओ के जवान थे उनकी जान चली गई थी जब उस ब्रिज को लॉन्च कर रहे थे। कल शाम को हमने अपनी राइड को वहाँ कंक्लूड करके उन वीर जवानों को जिन्होंने राष्ट्रहित में अपनी जान दी
उनको ट्रिब्यूट पे किया और अब हम अगली जो जर्नी है उसको शुरू कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्पिलो। नमस्कार मनन जी के हाथ में चाय का प्याला और मनन जी तैयार है आज की राइड के लिए। मनन जी कल हमने राइड की रामपुर से खारो ब्रिज तक और फिर रात को हम स्पिलो में रुके पुल के बिल्कुल नज़दीक। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल रास्ता तो थोड़ा सा खराब था पर उसके साथ साथ एडवेंचर भी था। दो दिनों में बैक टू बैक हमने 100 किलोमीटर से ज़्यादा राइड की। हमारे राइडर्स आज स्पिलो से आगे अपनी नाको की जर्नी के लिए निकल गए हैं। सभी राइडर्स ने इतनी लंबी राइड पिछले दो दिनों में की है। दैट शोज द फिटनेस एंड कमिटमेंट लेवल ऑफ ऑल द राइडर्स। जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा खबार तेरा गोरा बदन। दोस्तों स्पिलो से आगे बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स का एरिया शुरू हो जाता है। आपको स्पिलो तक तो ग्रीन ऑर्चर्ड्स दिखते हैं, पाइन्स के ट्रीज दिख जाते हैं, लेकिन इसके आगे एरिया बिल्कुल ड्राई है, बैरन है और एकदम कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सच में ही दोस्तों बीआरओ का जो काम है इस बड़ी इनएक्सेसिबल टेरेन में जो है वो काम कर रहे हैं, इसको सबको अपलोड करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। बीआरओ का दीपक प्रोजेक्ट जो है इस रोड को मेंटेन करता है, बनाता है। देखिए बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स में ये रोड है। अभी हम हैं पू के बिल्कुल पास। इस इलाके में पड़ती है सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ और ये आर्मी का कोई छोटा सा यूनिट है। आप देख सकते हैं कि सामने लगी हैं स्नो डोम। दोस्तों बीआरओ ने बनाया है खूबसूरत बहुत बढ़िया रोड से पुराने समय में हम हिंदुस्तान तिब्बत रोड बोलते थे और अब इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 5। बीआरओ का एक और शानदार रोड स्लोगन, जिनको जल्दी थी वो चले गए, जो सतर्क हैं वो भले रहे, मंजिल तक जाना है तो धीरे ही चले। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस करते हैं सुपर क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। नमस्ते मैम। ये क्या हो रहा है मैम? ये इसमें ग्रेड निकलेगा ना, छोटा बड़ा होके और इधर फिर शिफ्ट वाइज। बहुत बढ़िया। ये खाब के पास हम पहुँचे हैं और खाब से थोड़ा सा पीछे 3 किलोमीटर पीछे जो हमारा नेशनल हाईवे 5 है, जिसको हिंदुस्तान तिब्बत रोड बोलते थे, वो शिपकी ला की तरफ जो है वो यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है और हम थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे काजा की तरफ। नाको यहाँ से 30 किलोमीटर है। ट्रैवलिंग का शौक़ रखने वालों के लिए ये रोड, ये वादियाँ, ये माउंटेन्स पागल बनाने वाले हैं। व्हाट अ ब्यूटी। यह है खाब और यहाँ पर स्पिति और सतलुज नदी का पहाड़ों को चीरते हुए होता है मिलन। स्पिति नदी अपने आप को समर्पित कर देती है सतलुज नदी में अपनी अनंत की यात्रा के लिए। स्पिति घाटी से आ रही है और सतलुज जो है खाम में पहुंचती है मानसरोवर से।
ये है खाप ब्रिज, ये सतलुज दूर पहाड़ों की आ रही है। मेरे दाएं तक से आ रही है स्पीति जो ब्लू कलर की है, और ये जो ब्लैक कलर का वाटर है ये है सतलुज का। दोनों का जो वॉल्यूम है यहाँ पर एकदम बराबर नजर आता है। खाप ब्रिज के बाद शुरू होती है इस साइकिल एक्सपीडिशन की वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस, जो है सर मज़ेदार है ये रूट, बहुत अच्छा है और रोड बहुत अच्छी है जी। ये तो मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा कि इस जगह इतने अच्छे रोड बना दिए, हम तो सोच नहीं सकते थे इतने अच्छे रोड यहाँ मिलेंगे। और धूप का, जितनी धूप है उतनी सर्दी भी है, उससे मौसम ज़्यादा मज़ेदार लग रहा, राइड में मज़ा आ रहा। अगले साल की तैयारी तू कर ले बे डॉक्टर, टिकटा तो ले ली पुठा पंगा ले जटिए हाथ भोक दे सिंगा लावे पुठा पंगा ले जटिए। कड़कती धूप और हमारे अगेंस्ट चलने वाली हाई स्पीड विंड ने आज एफर्ट को कई गुना बढ़ा दिया। ड्राई माउंटेन्स में दिखता है हमें ये का विलेज नाको से कोई 15 किलोमीटर पीछे। लाइया मोहब्बत दूर दराजे अखियां दा होया कसूर माए नी मेरे शिमले दिलाए काजा कितने कदूर है काजा कितने शिमले नी बसना रिकांबियो नी बसना काजा जाना जरूर हुए काजा जाना। इस कोल्ड डेजर्ट में आइसिस की तरह ये काबिलिस, यहाँ पर एप्पल के ऑर्चर्ड्स भी देखने को मिले। आज की राइड भी हमारी सक्सेसफुल रही एज पर शेड्यूल। हम नाको में तकरीबन 6 बजे पहुँच गए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नाको लेक। लक्ष्य कठिन था बट फिट राइडर्स मेड इट वेरी इजी टू द नाको। नाको की इस ब्यूटीफुल नेचुरल लेक को देखने पहुंचते हैं हजारों टूरिस्ट। यहाँ ठहरने के लिए रीजनेबल रेट्स के ऊपर होमस्टेज मिल जाते हैं और कुछ बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपने शिमला से शुरू हुआ सफर अपनी आंखों से मगर हमारे नजरिए से देखा, मगर रियल थ्रिल और एक्साइटमेंट आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम अनोखी स्पीति वैली को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जरूरी सुझाव कमेंट्स कॉलम में देना ना भूलें।